Hi, this is Farooq Khan and welcome back to my channel FRK Info. And please मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. असीगढ़ किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है. यह किला एक ऐतिहासिक किला है. यह किला बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र सतह से 250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. यह किला आज भी अपनी वैभवशाली और गुणवत्ता के लिए मशहूर है. असीगढ़ किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में आशा अहिर ने करवाया था. यह किला बलुआ पत्थर और सूखी चूना मिट्टी से बनाया गया था. कुछ इतिहासकार इसे रामायण काल का बताते हैं. प्रसिद्ध इतिहासकार मोहम्मद कासिम के कथानुसार इसका आशा अहिर नामक एक व्यक्ति ने निर्माण करवाया था. आशा अहिर के पास हजारों की संख्या में पशु थे. उनकी सुरक्षा हेतु ऐसे ही सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी. कहते हैं वह इस स्थान पर 14वीं शताब्दी में आए थे और इस स्थान पर ईंट मिट्टी चूना और पत्थर की दीवार बनाकर रहने लगे थे. इस तरह आशा अहिर के नाम से यह किला असीरगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हो गया. असीरगढ़ किला कुछ समय के लिए चौहान वंश के राजाओं के अधीन रहा था. इसका उल्लेख राजपूताना के इतिहासकारों ने संदर्भ में किया है. कुछ समय बाद असीरगढ़ किले की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई. फिरोज शाह तुगलक के एक सिपाही मलिक खां को असीरगढ़ की प्रसिद्धि से प्रभावित किया और उन्होंने इस पर आक्रमण करके इस पर कब्जा कर लिया. मलिक खां के बाद ये किला आदिल शाह फारूकी के अधीन रहा. फिर उनके इंतकाल के बाद बहादुर शाह के अधिकार में आ गया. वह दूरदृष्टि वाले बादशाह नहीं थे. उन्होंने अपनी और इस किले की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की. सम्राट अकबर असीगढ़ की प्रसिद्धि सुनकर इस किले पर अपना अधिकार करना चाहते थे. जैसे ही बहादुर शाह फारूकी को इस बात की सूचना मिली, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए किले में ऐसी शक्तिशाली व्यवस्था की कि 10 वर्षों तक किला घिरा रहने पर भी बाहर से किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ी. सम्राट अकबर ने असीरगढ़ पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था. वह किले के सारे रास्ते बंद कर दिए थे. वह किले पर रात दिन तोपों से गोलाबारी करने लगे. इस प्रकार युद्ध का क्रम निरंतर चलता रहा, परंतु अकबर को हर बार असफलता ही हाथ लगी. कुछ समय बाद बहादुर शाह की सेना अकबर की सेना के सामने न टिक सकी. इस तरह देखते ही देखते सन 1601 को असीरगढ़ के किले पर अकबर की विजय प्राप्त हो गई और यह किला मुगल शासन के अधीन हो गया. इस किले के दरवाजे के सामने एक काली चट्टान है जिस पर अकबर, दानियाल, औरंगजेब और शाहजहां के चार शिलालेख फारसी भाषा में लिखे हुए हैं. इन शिलालेखों पर किले के किलेदारों पर विजय प्राप्त करने वालों और सूबेदारों के नाम लिखे हुए हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.